नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नाइट कर्फ्यू में काजी कैंप पर एक चाय की दुकान खुली थी, जिसे पुलिस बंद करवाने पहुंची तो पुलिस और चाय दुकान मालिक जहीर खान का झगड़ा हो गया, जिसमें जहीर द्वारा पुलिस कर्मी पर चाय फेंकी गई है। इसी विवाद के बाद गुस्साए पुलिस कर्मी दुकान मालिक के घर पहुंचे और उससे वहां ना मिलने पर घर की महिला और 9 साल की बच्ची पर ताबातोड़ पाइप लठ मारना शुरू कर दिया है, जिसमें महिला और उक्त बच्ची को काफी गहरी चोट आई। भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।